जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूं क्या भैया? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जा करके इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? यानी जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया, रात और दिन पड़ता है, भूखा प्यासा पड़ता है, घर बेच करके पड़ता है, खेत बेच करके पड़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया। इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, मैं आज आपको कह रहा हूँ। ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गेंद पाल ली हमने? पानी पिला दो है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया? ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना खुट गई और SOG को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है। और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा, नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हम इतने अकलमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते? क्या एक ही पेपर हर राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं, जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं, कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पर पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा तब तो आप इसको बचा पाओगे। ताकि आप और मैं कितने भी कानून में बदल कर दें, आपका वो जांच करेगा, आपका वो अधिकारी आएगा। आपने कहा भाई सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योग्य, स्वागत करता हूँ, पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं ही करूँगा, कौन करेगा? जब हम ही ठीक नहीं है तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। दुर्भाग्य हमारा, जहां से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है
और इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंत उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गए? आप भी जान रहे हो, रोज के रोज पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा है, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दंड मिल सकता है, अपराध बंद नहीं हो सकता है। अपराध बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं ना, उस सिस्टम में चलो। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग बचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ। किस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देंगे ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है? और जो बाकी संस्थाएं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमजोर कर दी है कि जहाँ बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं है। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें धन्यवाद। कानून अपराधी को दंड दे सकता है, अपराध नहीं रोक सकता है। ये केवल और केवल हमारा वर्षों का अनुभव है। कानून अपराधी को दंड दे सकता है, अपराध नहीं रोक सकता है। अगर ये कानून ही रोक देते तो अब तक 302 का मर्डर नहीं होता। और इसलिए इसकी गहराई तक जाने का प्रयत्न, कानून बनाने की नौबत क्यों आती है? ये इसलिए आई है, मैं बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगर ये 16 लाख बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होता ना, और उनके घर के पांच पांच लोग इससे जुड़े हुए नहीं होते ना, ये सरकार की नींद नहीं उठती। 1 करोड़ लोग प्रभावित हो गए इससे, उन बच्चों की पीड़ा और उनके परिवार वालों की पीड़ा, उस पर छींटे लगाने के लिए कानून लेकर के अपने आप को बरी करना चाह रहे हो। कानून तो पहले ही था, ये जो आपने कानून है ना, ये जो आप नया कानून लेकर के आए, इसके पहले आपने ये कानून नवंबर में 92 में बना दिया ना। मैं आज जब जवाब दो मंत्री जी, ये बताना ये 92 के कानून के तहत अब तक राजस्थान में कितने लोगों को सजा हुई है उसका नाम बता दो। ये खाली कागजों में पड़े रखने के लिए पुलिंदे बना देने का शौक पड़ गया है। कानून बहुत है, फांसी लगा देंगे, ये लगा देंगे, ऐसे अपराध रुकता है? अपराध जिस व्यवस्था से रुकता है, हमारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने प्रतियोगी परीक्षाएं कराना शुरू किया, तैसे तैसे ये गैंग तैयार होना शुरू किया। इसके पहले गैंगे नहीं थी, लेकिन अब हर चीज़ में से परीक्षा, हर चीज़ में से परीक्षा, उस परीक्षा में उत्तीर्ण कराकर बच्चे को नौकरी तक पहुंचाने के लिए ये कुछ लोग इस व्यवसाय के अंदर जुड़ गए हैं, जिसमें सरकारी मशीनरी भी है, जिसमें वो स्वयं भी है, और जिसमें अगर दुर्भाग्य से कहूं कि कुछ राजनेताओं को अभी इस गोड़छोड़ होने के कारण से इस स्थिति तक आकर के हम पहुंच गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कानून तो ये पहले ही बना हुआ था। 1992 के कानून में धारा 3 थी, अनुसूचित साधनों का उपयोग परीक्षार्थी द्वारा किसी भी तरह से नकल, कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा अथवा जुर्माना जिससे 2000 हो सकेगा, ये तो पहले था। अब तक कभी सजा हुई? और अब तक नहीं हुई तो अब आप इसको 10 वर्ष कर दो ना, भले ही 10 करोड़ कर दो, ये होगी इसकी गारंटी इसके साथ है क्या? पहले वाला कानून पढ़ रहा हूँ मैं, धारा 4, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा एवं प्रकटन, धारा 5, परीक्षा के कार्यरत व्यक्ति द्वारा आवंटन, कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं हो सकेगा तथा 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है एवं जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का था, क्या हुआ इसका? ये तो 92 में है, 92 में ये जो कानून बनाया, 92 से लेकर के आज अपन 2022 में आ गए, 30 वर्ष हुए, 30 वर्ष में इस कानून का उपयोग कहीं हुआ है क्या?
मैं आज भी आपको बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, केवल और केवल अपनी जेब मिटाने के लिए इस कानून को ला करके उस बच्चे के उस दर्द को मिटाने के लिए तुच्छ छंटे छींटे डालने का प्रयास किया कि जिससे शायद हम इसमें सफल हो जाएंगे। हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे ये तो ईश्वर जानेगा। मतलब मैं सोचता हूं कि हमने कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई है ना, कानून कभी रुकता नहीं है। ये धारा 6 थी जो पहले 92 में, उसमें कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं हो सकेगा 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा जुर्माना जो 15,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। अगर यही रोक देते तो अब तक अपन बहुत को अजेंसी में पहुंच जाते। कानून बनाया आपने, सजा सख्त की, उसके लिए धन्यवाद। कानून से मेरा विरोध नहीं है, पर मेरा विरोध इस बात से है कि केवल कानून बना देने मात्र से इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। या आपने धारा 7 जो 92 की थी उसमें कारावास 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना 5,000 रुपये, ऐसे इसमें सब कानून है, वही कानूनों को बदल करके आपने थोड़ा और सख्त करने का प्रयास किया। अब मैं सभापति महोदय ये विषय नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि एक कानून आपका 92 में था, इस नया कानून 2022 में लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? या तो इस कानून को रद्दी की टोकरी में डालते हैं फिर इस नए कानून को लाते हैं। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ क्योंकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा वकील की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं सामान्य बुद्धि से समझता हूँ कि क्या ये दो कानून पैरेलल चलेंगे, और अगर ये दो कानून पैरेलल चलेंगे तो कौन से कानून के तहत आप मुकदमा दर्ज करोगे, किसके तहत दर्ज नहीं करोगे? इसका मतलब केवल और केवल लोगों को दिखाने का एक तरीका है। सजा कम है 10 करोड़ कर दो, 25 करोड़ कर दो, उसके कारण से समस्या का हल होता हो ऐसा मुझे तो कम से कम इसमें से दिखाई नहीं देता। कानून हमारे पास पहले से था और अभी, और इस कानून में कुछ सजाओं का अंतर हो सकता है, कुछ काम का समय कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई इसमें अंतर है नहीं। अब आपने देखा, अब मैं दोनों ही कानून में आपको तुलना करता हूँ। अभी जो नया कानून बनाया हमने 2022 में, जो पहले वाला मैंने आपको पढ़ा था जिसमें 2-3 साल की सजा थी 2000, और अभी वाला जो आपने किया कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 1,00,000 रुपये से कम नहीं होगा, जुर्माना न भरने की स्थिति में कारावास जिसकी अवधि 9 मास तक और हो सकेगी। पहले ये था, अब ये हो गया, अब इसके कारण से नकल रुक जाएगी, अपराधी घर चला जाएगा, अब तो कुछ होना ही नहीं है ना। धारा 4 में जो पहले था, और अब नया क्या किया आपने, प्रश्न पत्र पर कब्जा और प्रकटीकरण, धारा 5 परीक्षा कार्य में अनेस्त व्यक्ति द्वारा प्रकटन, धारा 6 प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक, इसमें धारा 7, धारा 8, 9, उसमें जो आपकी शास्ति है वो शास्ति आपकी है कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 10,00,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 10 करोड़ तक हो जाएगा। अब इस 10 करोड़ का चश्मा दिखा देने से अपराधी को डर लग जाएगा, क्या जुर्माना न भरने के कारण से 2 साल की और सजा बढ़ जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन करने मात्र से, क्या मैं सोचता हूँ इस बारे में थोड़ा सा आप सोचो, और कानून लाने के लिए आपने जो तर्क दिया ना, वो तर्क दिया है कि बजट प्रस्ताव के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन किया कि उक्त अधिनियम 1992 3 दशक से भी अधिक पुराना है, तो पुराना बेकार है, हम जैसे पुराने हो गए तो फेंकने लायक हो गए ना। मतलब जो कानून आपके पास है उसी कानून में अगर कुछ और शक्ति करनी थी, कुछ धाराएं उसमें जोड़नी थी, कुछ बढ़ाना था घटाना था, उसी को कर लिया जाता, उसमें क्या अंतर पड़ जाता? लेकिन आपने इसमें जो है ना ये कहकर के इस दौरान इस मुद्दे से संगठित अपराध के आयाम का रूप ले लिया। ये संगठित अपराध क्यों हुआ? ये संगठित अपराध को अगर ठीक करना है ना, तो जितने कोचिंग संस्थाएं जो चल रही ना, इनका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड निकलवाओ, अगर कुछ करने की मंशा हो तो, नहीं हो तो कुएं में डालो, कोई चिंता की बात नहीं, जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरा सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो, किसी मैं स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ अपराधी होऊंगा कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो,
तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह बीमारी कहां से चली है। यह बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है।